Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आज हम लोग mixed sentence के बारे में जानेंगे, discuss करेंगे. इससे पहले simple sentence, compound sentence और complex sentence के बारे में जानकारी मिल चुकी है. अभी last है मिक्स्ड सेंटेंस. इसी मिक्स्ड सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है. अब आता है कि कैसे मिक्स सेंटेंस बनते हैं, हम कैसे इसको पहचानेंगे या फिर कैसे इसको बनाएंगे. तो इसके लिए शर्त है कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए, स्वतंत्र, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य होने चाहिए. इसलिए इसको मिक्स्ड बोला, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहा. तो कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए. कॉम्प्लेक्स के लिए क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट. तो चूंकि दोनों का प्रॉपर्टी है इसमें, दोनों के गुण है, इसलिए इसमें एक से अधिक यानी दो, कम से कम दो स्वतंत्र उपवाक चाहिए और एक आश्रित. अगर आप चाहो तो इसको फाइनाइट पर भी समझ सकते हो आसानी से, उसके बारे में बताएंगे अभी, लेकिन इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले. तो क्या होगा डेफिनेशन, कैसे डिफाइन करें? तो बोलेंगे अ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड अ मिक्स्ड सेंटेंस. ऐसा वाक्य जो एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बने हो, स्वतंत्र उपवाक से बने हो, या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि आश्रित क्लॉज हो, उपवाक्य हो, उस वाक्य को हम लोग मिक्स सेंटेंस कहेंगे या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे. अब अगर फाइनाइट पर देखें तो इससे भी आसान है. मैं शुरू दिन से कहा जितने फाइनाइट्स उतने क्लॉजेस. तो मिक्स सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, दो से अधिक फाइनाइट्स. तो दो से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना सेंटेंस जो कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा, दोनों स्वतंत्र को जोड़ देगा. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब जोड़ेगा तो स्वतंत्र आश्रित को स्वतंत्र के साथ जोड़ देगा, और इस तरह ये मिक्स सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों उसमें. चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं जल्दी जल्दी. एक पहला लिखेंगे हम, फिर उसको हटाकर फिर दूसरा लिखेंगे. देखिए पहला एग्जाम्पल, राम वॉज रीडिंग, राम पढ़ रहा था. एंड देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है. सीता वॉज राइटिंग, सीता लिख रही थी. व्हेन जब आई रीच्ड, देखिए इसमें कितने क्लॉजेस हैं, तीन. राम वॉज राइटिंग एक क्लॉज, सॉरी राम वॉज रीडिंग एक क्लॉज, सीता वॉज राइटिंग दूसरा क्लॉज, व्हेन आई रीच्ड तीसरा क्लॉज. अब कौन कौन है, दो स्वतंत्र है. कैसे, राम वॉज रीडिंग स्वतंत्र है, सीता वॉज राइटिंग ये भी स्वतंत्र है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. जोड़ा किससे, एंड से. तो सिर्फ यहां तक देखें तो सेंटेंस कंपाउंड है, एक से अधिक स्वतंत्र क्लॉजेस से बने बात जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं वो कंपाउंड होता है. अब व्हेन आई रीच्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है,
अब इसको सेंटेंस में कैसे किस नाम से पुकारेंगे क्लॉजेस को, तो ये जो स्वतंत्र पहला है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं है वो हो गया पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल क्लॉज कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बनता है, स्वतंत्र उपाधि बनता है, आश्रित नहीं बन सकता। दूसरा एंड से जुड़ा है और ये भी स्वतंत्र है क्योंकि ये कंजंक्शन से जुड़ा है, ऑलरेडी कंजंक्शन, इसको कहेंगे सीसी। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, लेकिन इसको सीसी का, ये पीसी, दोनों को पीसी नहीं कर सकते, पीसी एक ही को कहा जाता है। अब ये जो तीसरा है ये आश्रित है, इसको बोलेंगे एससी सबॉर्डिनेट क्लॉज। किससे शुरू हुआ, वेल से। फाइनाइट वर्ब को देख लीजिए, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना सेंटेंस जो किसी ने किसी, सॉरी दो से अधिक फाइनाइट वर्ब से बने वाक्य जो किसी ने किसी, जो किसी ने किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और किसी ने किसी एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। तो देख लीजिए, एक कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा हुआ है और एक सबॉर्डिनेटिंग से जुड़ा हुआ है, हो सकता है एक से अधिक भी सबॉर्डिनेटिंग, एक से अधिक भी एससी हो सकते हैं, एक से अधिक भी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो सकते, कम से कम एक होना जरूरी है और दो स्वतंत्र होना जरूरी है। तो सेंटेंसेज मिक्स्ड, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, पीसी सीसी एससी, सेंटेंसेज मिक्स्ड, मिक्स्ड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा, आई नो, एक क्लॉज सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, आई नो दैट, अब दैट करने से शुरू हो रहा है, एससी से शुरू हो रहा है, आई नो दैट यू आर रिच, तो एक क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र है, दैट से शुरू होने वाला एससी या आश्रित है, एससी है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आई नो दैट यू आर रिच बट यू कैंट हेल्प एनीवन। तीन क्लॉजेस है इसमें, पहला आई नो प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र उपाधि प्रिंसिपल बनता है, दैट से शुरू होने वाला एससी आश्रित है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट से जुड़ा हुआ है, ये दैट क्या है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो उसे शुरू होने वाला एससी होगा, आश्रित होगा। और फिर कहता है बट यू कांट हेल्प एनीवन, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये स्वतंत्र उपपद को जोड़ता है, इसलिए ये भी स्वतंत्र है, इसको बोलेंगे सी सी। सेंटेंस क्या है, इट्स अ देसी अ मिक्स्ड सेंटेंस, सेंटेंस को मिक्स्ड कहेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस। चलिए फाइनाइट को देख लीजिए, एक फाइनाइट नो वी वन फाइनाइट, दूसरा आर फाइनाइट, तीसरा कांट फाइनाइट, कैन कांट नहीं बोलेंगे कैन, तो कैन आर एंड वी वन नो, तो दो से अधिक फाइनाइट वर्ब जो किसी ने किसी, एक सबॉर्डिनेटिंग और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो देखिए एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मिक्स सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा दे है, ही सेज दैट, ही सेज दैट, तो ही सेज पहला क्लॉज स्वतंत्र पीसी कोई कंडीशन, ही सेज दैट ही सॉ, देखिए सॉ बी टू फाइनाइट, अ मैन, उसने एक आदमी को देखा, हु यहां देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां रिलेटिव प्रोनाउन कंटिन्यूटिव सेंस में है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्विवेलेंट है, बोलिएगा कैसे सर, तो ये एंड के इक्विवेलेंट है, एंड ये हु यहां एंड के अर्थ में है, और एंड कौन सा कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग, तो याद रखिएगा हु व्हिच दैट रिलेटिव प्रोनाउन यदि एंड के अर्थ में है, एंड के इक्विवेलेंट है, तो समझिएगा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम करता है, और उससे शुरू होने वाला सेंटेंस जुड़ने वाला सेंटेंस सीसी कहलाता है।
तो चलिए, आई सॉ ए मैन हु वॉज लिंपिंग, लिख देते हैं लिंपिंग, एल आई एम पी आई एन जी। एक क्लॉज ही सेज, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही सॉ एस सी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और फिर ही सॉ ए मैन हु वॉज लिंपिंग, यहां हु के पहले कॉमा भी डाला, देखिए यहां हु डिफाइनिंग नहीं है, कंटिन्यूटिव है, नहीं समझते हैं तो आप समझिए हु माने एंड। अर्थ लगाइए, हिंदी सुनिए, वह कहता है कि उसने एक आदमी को देखा जो लंगड़ा रहा था, तो उसने एक आदमी को देखा और वह लंगड़ा रहा था, एंड ही, यहां हु इज कर्व क्या हो गया, एंड ही वॉज लिंपिंग। वह कहता है कि उसने एक आदमी को देखा जो लंगड़ा रहा था, यानी उसने एक आदमी को देखा और वह आदमी लंगड़ा रहा था, कंटिन्यूटिव सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड कैसे, तो पीसी ये हो गया, सीसी एससी, तो दो स्वतंत्र एक आश्रित, राइट। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, वन मोर इंस्टेंस, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, आई शैल टीच, I shall teach him, एक क्लॉज पीसी स्वतंत्र है, आई शैल टीच हिम, एंड कैन से जुड़ा है, ही विल गेट सक्सेस इफ ही ट्राइज, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा और वह सफल होगा अगर वह कोशिश करे तो, अगर वह कोशिश करेगा। लेकिन यहां देखिए सबऑर्डिनेट, आपको पहले से मालूम है, टेंस वाला वीडियो देखे होंगे, उसे बताए होंगे कि अगर पीसी फ्यूचर में हो और दूसरा क्लॉज एससी हो तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, इसीलिए ही विल ट्राई नहीं, ही ट्राइज। आइए, पीसी स्वतंत्र है, एंड से शुरू होने वाला भी स्वतंत्र, इसलिए सीसी, और इफ ही ट्राइज एससी, सेंटेंस मिक्स्ड। फाइनाइट पर देख लीजिए, एक फाइनाइट शैल, दूसरा फाइनाइट विल, और तीसरा फाइनाइट ट्राइज, वी ट्राइज, एक जुड़ा है एंड से क्वांटिटी कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो कहा था दो से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना हुआ जो किसी न किसी एक, एक किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग और एक किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हो। चलिए अब एक एग्जांपल हम नीचे लिख करके आपके रख दिया है ऐसे ही, जिसमें हम एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखेंगे मिक्स सेंटेंस में। अभी तक हम लोग जितने भी एग्जांपल्स लिए उसमें मिक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस के जितने भी एग्जांपल्स लिए उसमें एक ही एससी होता था, अब दो एससी डालना है। चलिए देखिए, इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, एससी क्योंकि इफ से शुरू हुआ है, या आश्रित है, यू कैन पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास कर सकते हो, पीसी स्वतंत्र है ये, तुम परीक्षा पास कर सकते हो, इफ यू लेबर हार्ड, तो एससी पीसी, एंड कैन गेट अ जॉब, एंड कैन मीन्स एंड यू कैन गेट अ जॉब, इसलिए यहां देखिए कॉमा दे दिया, फाइनाइट गेट अ जॉब, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सीसी ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये पीसी ये सीसी ये एससी, और देखिए बिकज, अब बिकज से जो है, बिकज कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग, बिकज लेबर लेबर गोज इन मैन सेंटेंस यहां अंत हो रहा है, इसमें चार क्लॉजेस हैं, ये भी है एस सी क्योंकि बिकस से शुरू हुआ है और ये अकेले नहीं कर सकता। तो चलिए कौन कौन हो गया, देखिए कितने क्लॉज, एक इफ यू लेबर हार्ड क्लॉज, यू कैन पास द एग्जाम, दूसरा क्लॉज एंड कैन गेट ए जॉब, तीसरा क्लॉज
बिकॉज नेवर नेवर गोज इन वैन। अब फाइनाइट देखते हैं, आपको मालूम है अगर चार क्लॉजेस तो चार फाइनाइट्स। इफ यू लेवर ये वी वन फाइनाइट, कैन फाइनाइट, कैन यहां भी फाइनाइट और गोज फाइनाइट। कुल कितने फाइनाइट है? 1 2 3 4, जिसमें दो स्वतंत्र हैं क्लॉजेस, तो चार फाइनाइट चार क्लॉजेस, जितने फाइनाइट उतने क्लॉजेस। अब देखना है कि कौन से क्लॉजेस क्या है, तो इसमें दो स्वतंत्र हैं और दो आश्रित हैं। स्वतंत्र कौन कौन है? इवन पास गेट जॉब, इंडिपेंडेंट एंड कैन गेट ए जॉब, ये दोनों ही स्वतंत्र हैं, एंड से जुड़ा है। तो सिर्फ यहां तक की बात करें तो कंपाउंड, लेकिन यहां एससी कॉम्प्लेक्स और फिर मिक्स्ड और फिर और एससी। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्या पाते हैं, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। लेकिन मिक्स सेंटेंस के लिए फिर सुन लीजिए, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने ही चाहिए, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए एक न एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग होगा तो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, अगर एक से अधिक होगा तो एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। जैसे कि इस केस में एक विकज है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा इफ है, ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहां एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये तो पीसी है। दैट्स ऑल, काफी है एनफ फॉर टुडे। अब सारी बात हो गई है, फ्रेज क्लॉज काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर, सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स मिक्स्ड। अब कभी अब अभी नहीं, अब ब्रेक देंगे इसको, अब नई बात शुरू करेंगे, फिर कभी एक या दो क्लास हमको लेना पड़ेगा जिसमें काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है उसको देख लेंगे, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी एससी के कितने प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, इस पर वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं बना देंगे। आपको पहले से भी मालूम है, अभी भी कहता हूं कि एससी तीन प्रकार के होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉजेज वो तीन भाग में बटे हुए, तीन प्रकार के होते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। जब एससी नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज, या नाउन का काम माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, विशेषता बतलाए तो एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर तरीका बतलाता है वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब क्लॉज। इस पर अलग से एक तो नहीं दो वीडियोस बना देंगे जिसमें सारी बात आ जाएगी, तो चलिए उसको देख लेंगे। अब जो बच्चे बिहार बोर्ड के 12वीं के हैं, जिनका एग्जाम है अगले साल फरवरी में, अगर वो कमेंट करके मांग करें तो उनके एग्जाम के पर्पस से कुछ वीडियोस बना दिया जाएगा, जिस टॉपिक पर उनकी इच्छा होगी वो कमेंट करें, हम जरूर कोशिश करेंगे उनको उनकी इच्छा पूरी करने का, उनके अनुसार वीडियोस बना दिए जाएंगे, क्योंकि उनका एग्जाम है। तो बिहार बोर्ड के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ग्रामर है या फिर लिटरेचर है उस पर अगर उनकी जरूरत होगी, अगर वो चाहेंगे तो उनको मदद की जाएगी, तो आगे उनको देखते हैं उन्हीं के हिसाब से वीडियोस देखें। चलिए थैंक यू, देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को कहिए देखने के लिए।